सास बहू और बेटी। माँ बैठो तुम, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, टीना ने कहा। सुमित्रा बोली, अरे क्यों, तुम क्यों बनाओगी चाय, तुम्हारी भाभी है ना। सुमित्रा ने मंजू को आवाज दी, बहू जरा चाय तो बना दो। सुबह का काम निपटा कर मंजू थोड़ा सुस्ताने बैठी थी, यह सुनकर उठी और चाय बनाने चल दी। कल भी ऐसा ही हुआ था, सुमित्रा के पति ने टीना से कहा, क्या नई चीज सीखी ससुराल में, जरा बनाओ भाई, हम भी तो देखे हमारी बिटिया। उन्हें बीच में रोककर सुमित्रा बोली, सुनो बहू बना तो रही है राजमा चावल, कितना स्वादिष्ट राजमा बनाती है मंजू। तब भी मंजू सोचती रही कि 3 दिन हुए जब से टीना मायके आई है, माँ उसे कुछ काम नहीं करने दे रही, किसी ना किसी बहाने से मंजू से ही करवा लेती है सब काम। आज भी उसे रोक दिया चाय बनाने से। बेमन से ही वह रसोई में गई तो पीछे से टीना की आवाज आई, भाभी पापा के लिए भी बनाना। कूदते हुए वह सोचने लगी, सही कहा है किसी ने, बेटी बेटी ही होती है और बहू। उसने बुझे मन से चाय का पानी रखा, तभी उसे अपने ससुर की आवाज सुनाई दी, अरे सुम्मी बहू से ही सारे काम करवा रही हो, चाय तो टीना भी बना सकती थी। हाँ बना सकती थी, पर आप नहीं समझेंगे, यह टीना भले हमारी बच्ची है पर अब वह पराई है। बात यह नहीं कि मैं बहू से काम करवा कर टीना को आराम देना चाहती हूँ, मैं तो सबको और खास तौर पे टीना को यह जता रही हूँ कि अब इस घर पर यहाँ की गतिविधियों पर पहला हक मेरी बहू का है। और शायद आप यह भी नहीं समझ पाएंगे कि ससुराल में टीना जब बताएगी, भाभी ने बहुत ख्याल रखा मेरा, किसी काम को छूने तक नहीं दिया, और जब इस बात की चर्चा कभी मेरे सामने होगी तो क्या गर्व से भर नहीं जाएगा मेरा मन। पर आप क्या जाने, आप ना तो बेटी हैं ना बहू, और सास तो बिल्कुल भी नहीं। यह कह के हंस पड़ी सुमित्रा। चाय की ट्रे लेकर रसोई से निकल रही मंजू की आंखें भर आई, बोली मम्मी। और सुमित्रा अपने हाथ से मंजू की आंखें पूछती हुई बोली, होंगे हम सास बहू दुनिया के लिए, पर असल में तो तू मेरी वह बेटी है जो पराया धन नहीं मालकिन है इस घर की।